हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है, पटना यूनिवर्सिटी में अब लागू हो चुका है 4 साल का ग्रेजुएशन का सिस्टम। और अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया था पटना यूनिवर्सिटी, जैसा कि आप बात जानते हैं, पटना यूनिवर्सिटी में फॉर्म अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो तकरीबन 9 अप्रैल के आसपास से स्टार्ट हुआ था। इसके बाद तकरीबन लगभग 10 दिनों के आसपास फॉर्म भी अप्लाई हुआ था, 10 दिनों नहीं कह सकते, लगभग 5 से 7 दिनों के आसपास फॉर्म अप्लाई हुआ था। और इस 5 से 7 दिन में तकरीबन जो पटना यूनिवर्सिटी में जो फॉर्म अप्लाई हो गया था वो 5000+ के आसपास फॉर्म अप्लाई हो चुका था। और इसको लेकर के पेपर में अपडेट भी आया था, आज के पेपर में अपडेट था जिसमें बताया गया था, रिपोर्ट एक था कि पटना यूनिवर्सिटी में 3 साल वाला जो ग्रेजुएशन का जो सिस्टम था 2023 से 2026 के लिए जो अप्लाई हो रहा था उसमें तकरीबन 5000+ बच्चे अप्लाई कर चुके थे। लेकिन अभी का जो आप करेंटली सिचुएशन जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में अगर आपको रेगुलर कोर्स करना है या फिर अगर आपको पटना यूनिवर्सिटी में वोकेशनल कोर्स करना है, तो ये दोनों कोर्सेज करने के लिए अब जो पटना यूनिवर्सिटी में सिस्टम है, अब जो ग्रेजुएशन है वो आपका कितने ईयर का होगा, 4 साल का हो गया। आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था वो कितने साल का किया था, 3 साल के लिए किया था। आपका जो फॉर्म है वो आपका अप्लाई हुआ था 3 साल का, अब जो नया फॉर्म अप्लाई होगा वो 4 साल का होगा। आपने अप्लाई किया था 9 अप्रैल के बाद में और 13 अप्रैल से पहले, यानी फॉर्म अप्लाई करने के जो फॉर्म अप्लाई करने से रोका गया था उसके पहले आपने अप्लाई किया था, और अब जो नया फॉर्म अप्लाई होगा वो होगा 20 से लेकर के 22 मई के बीच में। ऐसा बताया जाता है, मैक्सिमम एक्सपेक्टेड है कि 21 या 22 होते होते तक आपका फॉर्म, जो 4 ईयर वाला जो ग्रेजुएशन का सिस्टम है इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सवाल आपके लिए कि आपने फॉर्म अप्लाई किया, आपने अपना चार्ज भी 1100 रुपये के आसपास आपने पे किया, ये आपका पैसा का क्या होगा और साथ में आप कैसे नया वाला फॉर्म को अप्लाई करेंगे, यही आपके डाउट्स हैं। और इसी को लेकर के बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, तो इसको लेकर के मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके इस डाउट को भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। सो गाइज, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। चलिए बस स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपके इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में। अब चलिए देखिए, समझिए, देखिए होता क्या है कि पटना यूनिवर्सिटी में, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग स्टोरी बता दिया कि 3 साल का ग्रेजुएशन के लिए आपने अप्लाई किया, 4 साल का ग्रेजुएशन का सिस्टम हो गया और इसके लिए जो अप्लाई होगा वो तकरीबन 21 या 22 मई तक, मतलब 20 मई से कहा गया है कि 20 मई से लेकर के 22 मई के बीच में अप्लाई करने का जो प्रोसेस है पटना यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको बता दूँ, जो नया वाला जो पोर्टल है अभी वो बन करके तैयार नहीं हुआ है। नया वाला पोर्टल उम्मीद है कि 20 तक बन करके तैयार हो जाए। तो नया वाला जैसे ही पोर्टल चालू होगा आप क्या कीजिएगा, नए वाले पोर्टल पर जाइएगा। ये पुराना वाला पोर्टल है जहाँ से आपने अप्लाई किया था, और आप क्या कीजिएगा, आप नए वाले पोर्टल पर जाइएगा। नए वाले पोर्टल पर जाने के बाद आपके लिए क्या प्रोसेस जो आया है, जो मुझे सोर्सेज के थ्रू पता चला है, वो समझिए। आप नए वाले पोर्टल पर जाइएगा, नए वाले पोर्टल पर भी सेम तरीके से होगा। रेगुलर कोर्स के लिए अप्लाई करना है या वोकेशनल कोर्स के लिए अप्लाई करना है, जो भी आपने कोर्स के लिए अप्लाई किया था, अगर आपने बीए बीएससी बीकॉम के लिए किया था तो आप रेगुलर पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपने बीबीए बीसीए और बीएमसी या फिर बायोटेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज के लिए अप्लाई किया था तो आप वोकेशन वाला लिंक पे क्लिक कीजिएगा। मान लेते हैं किसी ने रेगुलर कोर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो वो रेगुलर वाला कोर्स पे क्लिक करेगा। रेगुलर कोर्स पे जैसे ही क्लिक करेगा तो यहाँ पे आएगा लॉगिन करने का ऑप्शन, वो क्या करेगा, लॉगिन पे क्लिक करेगा। और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो उसके पास यूज़र आईडी और जो पासवर्ड है वो अपने यूज़र आईडी एंड पासवर्ड को, यानी एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड को भरेगा, लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद उनका जो डैशबोर्ड है वो डैशबोर्ड दिख जाएगा। अब देखिए, जो डैशबोर्ड आपको दिखेगा, डैशबोर्ड देखने के बाद, यानी जो आपका डैशबोर्ड दिखेगा उस डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, एक नया आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा। यानी उसी डैशबोर्ड पे आपको क्या मिलेगा, एक नया यूजर आईडी और एक पासवर्ड मिलेगा। और उस नया यूजर आईडी एंड पासवर्ड के जरिए से फिर क्या करना रहेगा आपको, नया वाला पोर्टल पे, यानी वो जो आपका यूजर आईडी पासवर्ड है उस यूजर आईडी एंड पासवर्ड से फिर क्या कीजिएगा, सारा जो प्रोसेस होगा उसी यूजर आईडी एंड पासवर्ड से होगा। और उस जो नया आपका यूजर आईडी और जो पासवर्ड मिलेगा उस नए वाले यूजर आईडी एंड पासवर्ड से फिर से एक बार लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद क्या हो जाएगा, आप लॉगिन सक्सेसफुली हो जाइएगा। मतलब जो आपने रजिस्ट्रेशन जो पुराने वाले साइट पे किया था, जो 3 साल वाले ग्रेजुएशन के लिए जो आपने अप्लाई किया था, वो क्या हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन को शिफ्ट कर दिया जाएगा कौन से वाले पे, 4 साल वाले पर। और अब आपको क्या करना है, बस आप नया अप्लाई कर दीजिएगा, मतलब न्यू अप्लाई कर दीजिएगा, मतलब कोर्स वगैरह बता दीजिएगा। नया अप्लाई करने में होगा क्या, आपने सारा बेसिक इंफॉर्मेशन तो पहले से बता चुके हैं, बस आप क्या कीजिएगा, कॉलेज को चूज कीजिएगा। मतलब जब अप्लाई कीजिएगा तो आपसे पूछेगा कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप कौन से पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब क्या आप ऑनर्स रखना चाहते हैं, क्या जो आप मेजर पेपर है, जो मेजर पेपर का सिस्टम अब चला है वही आपसे पूछेगा
आपका, क्या आप मेजर पेपर बनाना चाहते हैं, मतलब क्या आप ऑनर्स पेपर बनाना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी बनाना रहे आप बना दीजिएगा, मतलब नया पेपर चूज कर दीजिएगा, कॉलेज चूज कर दीजिएगा और कॉलेज चूज करने के बाद सबमिट कर दीजिएगा और आपसे पेमेंट नहीं मांगेगा क्योंकि ऑलरेडी आपने पेमेंट कर चुके हैं। तो यही आपके लिए प्रोसेस होगा जो आगे आने वाले टाइम में आएगा। हालांकि इसको लेकर के जब यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन को जारी करेगी तो जितना भी मैंने आपको सारा बात बताया यही सारा बात उस नोटिफिकेशन में रहेगा। तो जैसे ही नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी के द्वारा से जारी किया जाता है फिर मैं आपको डिटेल में नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ करके बताऊंगा और मैं किसी एक स्टूडेंट्स का ये जो प्रॉब्लम है, मतलब जो पहले रजिस्ट्रेशन किए थे और कैसे रजिस्ट्रेशन शिफ्ट ये सब करना है, ये सब कुछ मैं करके लाइव आपको करके आगे आने वाले टाइम में वीडियो बना करके आपके लिए अवेलेबल कर दूंगा। तो ये सब आपके लिए चिंता करने की बात नहीं, ये सब माइनर सी बात है, वो मैं आगे चल करके आपको मैं लाइव पूरा प्रोसेस बाकायदा पूरा मैं प्रोसेस करके आपको दिखा दूंगा। तो आप सारी बातों को सीख जाइएगा, बस करना ही, बस आप समझ लीजिए सिंपल शॉर्ट में सारी स्टोरी समझ लीजिए कि आपको क्या करना है, दोबारा पेमेंट नहीं करना है, आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना है, बस आपको करना क्या है, कॉलेज बताइएगा कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है और पेपर बताइएगा कि कौन से पेपर में एडमिशन लेना है और आपको मिलेगा न्यू यूज़र आईडी और आपको मिलेगा न्यू पासवर्ड, बस इतना ही आपके लिए काम होगा। तो ये सब प्रोसेस आप कर लीजिएगा, ये सब प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होता है फिर मैं आपको फर्दर आकर के अपडेट कर दूंगा। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो को इन करते हैं, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।